जी हाँ दोस्तों, आप सभी सही सुने। मोदी सरकार ने घोषित किया है, बहुत बड़ी घोषणा जो घोषित किया है, किस प्रकार से जानेंगे दोस्तों, कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में बताने वाले। यदि आप कॉलेज में पढ़ते, स्कूल में पढ़ते, तो सभी विद्यार्थियों के लिए मोदी सरकार की तरफ से बहुत ही जबरदस्त घोषणा हो चुकी है दोस्तों। वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर से जरूर देखिएगा, इसमें बहुत सारे ऐसे जानकारी मिलेंगे जो आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको कंप्लीट जानकारी दिखाते हैं। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करिएगा जरूर, दोस्तों के साथ शेयर करना कभी भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे हैं, बहुत ही गजब का खुशखबरी है। मोदी सरकार ने घोषित की देश के लिए नई नीति, यानी 10+2 खत्म हो चुके हैं, 5+3+3+4 की नई व्यवस्था होगी लागू। तो ये 5+3+3+4 ये किस टाइप का व्यवस्था है, इसी के विषय में आज हम इस वीडियो में बहुत ही गजब तरीके से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इस नई नीति से किस तरह से करके विद्यार्थियों के हित में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाले, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाले वीडियो दोस्तों, बहुत इंटरेस्टेड होने वाले, इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना कभी भी ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, केंद्र सरकार ने गुरुवार को देश में नई नीति को मंजूरी दे दी है। नई नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया, यानी 10+2 जो आप करते थे वो कंप्लीट रूप से खत्म कर दिया गया। अब इसे 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 फॉर्मेट में ढाला गया। इसका मतलब है कि अब स्कूल के लिए पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल यहां पर होंगे। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे खबर में क्या लिखे गए हैं, पूरी कंप्लीट जानकारी यहां पर देते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर यह भी बात लिखे गए हैं कि फिर अगले 3 साल को कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया गया जाएगा। इसके बाद में 3 साल मध्य चरण यानी कक्षा 6 से 8 और माध्यमिक अवस्था के 4 साल, यानी कि यहाँ पर दोस्तों अलग अलग प्रकार का यहाँ पर 4 साल लिया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर यह भी बात यहाँ पर लिखा गया है, सबसे खास सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर यहाँ पर यह कह रहा है इस इंफॉर्मेशन में कि अब सिर्फ 12th में बोर्ड एग्जाम होगा। ठीक है, याद रखिएगा मेन खास पॉइंट यहाँ पर बात कर रहे हैं, अब सिर्फ और सिर्फ 12th में बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, 10th में नहीं होगा, 10वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी, 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगा, यानी 9 क्लास से लेकर दोस्तों 12 क्लास तक हर 6 महीना में आपको परीक्षा देना होगा। इसके साथ साथ दोस्तों नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं कक्षा के छात्रों को मातृभाषा स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5वीं तक जो भी 5वीं कक्षा तक है उसको स्थानीय भाषा यानी जो भी लोकलिटी भाषा होगा, जैसे बंगला है, उर्दू है, ये लोकलिटी जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से पढ़ाया जाएगा, और राष्ट्रीय जो भाषा यानी राष्ट्रभाषा आपका हिंदी है तो हिंदी से ही आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, इस इंफॉर्मेशन में यह बात लिखी गई। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर यह भी बात यहाँ पर लिखी है, कॉलेज वाले विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन रखेगी, लिखे गए दोस्तों कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल दोनों की होगी, यानी कि जो भी कॉलेज की डिग्री लेना चाहते 3 साल वो 3 साल के ले सकते, जो लेना चाहते 4 साल वो 4 साल के ले सकते। हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी, उनके लिए MA 1 साल में करने का प्रावधान होगा, यानी कि दोस्तों जो भी 4 साल का जो कोर्स करेगा, यानी कि BA हुआ, BSc हुआ, BCom हुआ, ये सारे जो है भी कैंडिडेट 4 साल के करेंगे, वो MA या MCom ये सारे कोर्स जो है 1 साल के हो जाएंगे। अब छात्रों को MPhil नहीं करना होगा,
एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। बहुत ही जबरदस्त खुशखबरी है दोस्तों, एमफिल करने की कोई दरकरार नहीं। जो भी कैंडिडेट एमए किए हुए वे डायरेक्टली पीएचडी में, पीएचडी मतलब जो भी नाम के आगे दोस्तों आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, यानी जैसे डॉक्टर अनमोल, डॉक्टर अमृत, डॉक्टर अमृता, इस प्रकार से अगर पीएचडी कर लेते हैं तो डॉक्टर लग जाए। नीचे कमेंट करें दोस्तों, क्या आप पीएचडी करना चाहते या नहीं करना चाहते, नीचे कमेंट करके आप हमें जरूर से जरूर बताइएगा। इसके साथ दोस्तों यहां पर यह भी लिखे गए, यहां पर अंतिम में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन स्कूल के बारे में लिखे गए कि कक्षा जो है 9 से 12, इसके अलावा स्कूल में कला हो, वाणिज्य हो, विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा। छात्र अब जो भी पाठ्यक्रम चाहे वो ले सकेंगे। नई शिक्षा नीति में संगीत, दर्शन, कला नृत्य, रंगमंच उच्च संस्थानों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप विज्ञान पढ़ सकते हैं, आर्ट्स पढ़ सकते, जो मर्जी है वो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई बॉन्डेड नहीं रहा। पहले क्या था, बॉन्डेड रहता था कि नहीं आपको यह सब्जेक्ट लेना है, यह सब्जेक्ट पढ़ना है, साइंस लिया है तो साइंस से पढ़ना है, कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स से पढ़ना, ऐसा कोई भी बॉन्डेड नहीं, पूरा का पूरा फ्रीडम कर दिया। यह एक मोदी सरकार से पहली बार मोदी सरकार ने बच्चों के हित में कुछ नए चीज़ यहाँ पर लागू की। यह नए नियम आपको कैसे लगे दोस्तों, नीचे कमेंट लिखकर आप हमें जरूर बताइएगा। नए नियम से कितने लोग खुश हैं, नीचे कमेंट लिखिएगा जरूर। अगर खुश नहीं है तो भी नीचे कमेंट लिखिए कि यह नया नियम हम सभी के लिए कोई लाभदायक नहीं होने वाले, तो नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। इसी प्रकार से लेटेस्ट अपडेट के साथ दोस्तों बने रहिएगा। हम आपको देते हैं वो खबर जो आपको देखने के लिए कहीं भी नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर यह भी बात यहाँ पर लिखे गए, जैसे कि इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों बहुत ही गजब गजब का यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिखे हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखे गए नई शिक्षा नीति को कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के बाद 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया। नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। वाकई बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। 9वीं से 12वीं की कक्षा सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा को 5-3-3-4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। स्नातक की डिग्री 3 या 4 साल की अवधि की होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और एक चीज इन्फॉर्मेशन लिखे, निजी और सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए समान मानदंड रखा जाएगा। यानी केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत निजी और सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए समान मानदंड अपनाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा सचिव अमित खरे ने कहा कि आज की तारीख तक हमारे पास अलग अलग स्टैंड अलग अलग संस्थानों के लिए अलग अलग विश्वविद्यालय, केंद्र विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग मानदंड है। नई शिक्षा नीति कहती है गुणवत्ता के कारणों के लिए मानदंड सभी के लिए समान होंगे, ना ही स्वामित्व के अनुसार। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कह दिया गया सभी के लिए बराबर नीति अपनाई जाएगी, किसी के लिए कोई कूटनीति अपनाया नहीं जाएगा। यानी जो कोर्स यहाँ पर होंगे वही कोर्स वहाँ पर भी होंगे, यानी सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर समान कोर्स यहाँ पर लागू कर दिया गया दोस्तों। यह एक सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक खबर है। आपको दोस्तों यह खबर कैसे लग रही है, नीचे कमेंट लिखकर आप हमें जरूर से जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी से अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। आपका एक जो कमेंट होते हैं वो कमेंट दोस्तों हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण होते हैं। मिलेंगे दोस्तों इसी प्रकार से कोई नई खबर के साथ, नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और बेल का आइकन को दबाइएगा, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर सेलेक्ट कीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो आएंगे वो आसानी से नोटिफिकेशन वाले बॉक्स पर आपको पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।